जीवन में अपने सगे संबंधियों के साथ, परिवार के साथ यदि सुखी संपन्न और समरसता के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो शिकायत मिटाइए और संवाद स्थापित कीजिए। आइए आज इन्हीं विचारों पर हम चर्चा करेंगे। दमाद ने एक जस्ट कहानी के साथ शुरू करते हैं। एक दमाद ने अपने ससुर से पूछा, बहुत लोग आपके कामयाबी और कामयाब शादीशुदा जीवन के लिए आपकी वाह वाह करते हैं, अर्थात इसका राज क्या है? ससुर जी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि कभी भी अपनी पत्नी की आलोचना मत करो और खास करके तब जब उससे कोई गलती हुई हो। हमेशा याद रखना कि वह अपनी कमजोरियों की वजह से तुमसे बेहतर पति नहीं ढूंढ पाई। इस पर दमाद उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि आपने सही कहा। कई सारे लोग शिकायतें और आलोचना करके रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। उपरोक्त वार्तालाप से यह समझ में आता है कि इंसान रिश्तों में आलोचना और शिकायत किए बिना नहीं रह पाता है। जब वह किसी और पर उंगली उठाता है, ध्यान दीजिए कि जब भी रिश्तों के बीच जंग की शुरुआत होती है, अर्थात कहा भी जाता है कि जब आप सामने वाले के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तब चार उंगलियां आपके तरफ होती हैं। परिवार के सभी लोग आनंद चाहते हैं, घर में सभी एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हुए भी वाद विवाद तो होते रहते हैं, क्योंकि सभी का स्वभाव और जरूरतें विचार अलग अलग हैं, जिस वजह से वे एक दूसरे के बातों को कई बार नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में छोटी सी भी अनबन भी रिश्तों में दरार निर्माण कर सकती है। इसलिए परिवार में जल्द से जल्द संवाद मंच बनाना, अर्थात आपस में सही तरीके से बातचीत करना महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कई सारे बर्तन एक साथ हम देखते हैं तो आवाज होना लाजमी है, लेकिन ठीक उसी तरह से जब परिवार में भी लोग हैं तो विचारों की भिन्नता तो देखी जा सकती है। मन मुटाव भी हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी संवाद बंद नहीं होनी चाहिए। जब बातचीत बंद हो जाती है तब वहीं से काम बिगड़ना शुरू होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ शिकायत संदेह के चलते ऐसा होता है। संवाद बनाने के लिए परिवार में एक ऐसी संस्कृति अर्थात कल्चर की जरूरत होती है जिसे मीटिंग ट्रेनिंग कल्चर कहते हैं। जैसे लोग अपनी कंपनी में मीटिंग करके समस्याओं को सुलझाते हैं, उसी तरह घर पर भी मीटिंग करके एक दूसरे की बातों को समझा जा सकता है। अधिकतर परिवार वाले आपस में मीटिंग नहीं करना चाहते क्योंकि वहां बातें कम और झगड़े ज्यादा होते हैं, किंतु मीटिंग में आपको कौन सी बातचीत कब और कैसी करनी है यह पता है तो आप आसानी से सबके बीच संवाद बना पाएंगे। मीटिंग करने का भी एक तरीका होता है, यदि उसका उपयोग किया जाए तो इसका उद्देश्य सफल हो सकता है। मीटिंग की कुछ जरूरी बातों को भी समझनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले मीटिंग करने के लिए हफ्ते में एक दिन का समय जरूर तय करें। यदि आप परिवार में हैं, यदि व्यस्तता बनी हुई है, आप सबके साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो यह बिल्कुल कोशिश कीजिए कि सप्ताह का कम से कम एक दिन का समय उनके लिए जरूर निकालिए। परिवार के सभी लोग साथ बैठ करके एक स्वस्थ संवाद स्थापित कीजिए, मन की बातों को निकालिए और खुले दिल से बिना किसी एजेंडा की भी बातचीत जरूर करें। बैठक के लिए अलग तरह की आसन व्यवस्था करें, जैसे आप ध्यान या योग करते समय विशेष आसन बिछाते हैं तो आपके मन को अंदाजा हो जाता है कि अब ध्यान या योग करना है। उसी तरह मीटिंग के लिए भी विशेष माहौल तैयार करना चाहिए। ऐसी विशेष तैयारी से सभी को मीटिंग का संकेत मिलेगा और मीटिंग सफलता से पूरी हो पाएगी, अर्थात बातचीत सफलता के साथ पूरी हो पाएगी। तीसरी बात है कि परिवार के मीटिंग में बच्चों को भी शामिल करें, क्योंकि यही बच्चे आने वाले समय में परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं होंगे बल्कि मार्गदर्शन जो है देने वाले होंगे। उनके विचार, उनकी जरूरतें भी
बहुत मायने रखती है, उनकी सुझावों का भी आदर करें। चौथी बात है कि कोई भी मीटिंग परिवार के साथ संवाद का एक बहुत बढ़िया जरिया है। इससे परिवार में सुख शांति और प्रेम बढ़ने में मदद मिलती है। इस लक्ष्य के साथ मीटिंग शुरू करें और दूसरों को भी यही लक्ष्य याद दिलाएं कि आज मीटिंग में सिर्फ ऐसे ही संवाद होंगी जिससे परिवार में हमेशा हमेशा सुखी संपन्नता बनी रहे। कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। परिवार के मीटिंग में सभी अपनी अपनी बातें रख पा रहे हैं कि नहीं, कोई अपने आप को उपेक्षित तो नहीं महसूस कर रहा है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। आपको सबकी बातें सुनने के लिए संयम और धैर्य की जरूरत होती है। अतः सबकी बातों को समझकर सही मार्गदर्शन दें, ताकि यदि वे कहीं कोई गलती कर रहे हैं तो उसे दोबारा न दोहराएं। यदि सही ढंग से प्रयास किया जाए तो परिवार के हर सदस्य के साथ संवाद बनाया जा सकता है, जिसमें हर सदस्य कपट मुक्त ईर्ष्या मुक्त होकर पूर्ण सच और सत्य पर बात कर सकता है। वरना लोग आधा सच बोलते हैं और आधा झूठ छिपा लेते हैं। जैसे बच्चा रात में उठकर फ्रिज से चुपचाप आइसक्रीम निकालता है और सबकी नजरों से बचकर उसे खाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी माँ आ जाती है और जब वह इस बारे में पूछती है तो बच्चा बहानेबाजी के अंदाज में कहता है, मैं तो बाथरूम जा रहा था। अर्थात बच्चे ने सच तो कहा, लेकिन आधा ये नहीं कहा कि जो है मैं आइसक्रीम चुरा कर ले जा रहा था, जो एक तरह से कपट है। लोग इस तरह आधा सच बोलते हैं क्योंकि आपस में कपट मुक्त वार्तालाप का संवाद नहीं बना है, अर्थात सत्य बोलने में डर लगता है। परिवार में संवाद बनाने से परिवार के सारे सदस्य कपट मुक्त ईर्ष्या मुक्त होकर पूर्ण सत्य बता पाएंगे। यहाँ इस बात का ख्याल रखना होगा कि मीटिंग एक दूसरे को सुधारने के लिए नहीं करनी है, वरना हर एक व्यक्ति अपनी पसंद और नापसंद दूसरों के ऊपर थोप करके सुधारने की कोशिश करने लगेगा। खुद सुधरना है, खुद सुधरने की कोशिश करना है। उदाहरण के तौर पे कई लड़कियां बिगड़े हुए टपोरी लड़कों से शादी कर लेती है, ऐसा समाज में देखने मिलता है। कई बार उच्च जाति के लड़कियां नीच जाति के लड़कों से शादी कर लेती है और उसको सुधारने की कोशिश में लग जाती हैं। वे दूसरों को सुधारने का सुख चाहती हैं कि मैं प्यार से उसे टोक टोक कर सुधार दूं। शुरुआत में प्रेम की वजह से लड़का उसकी बात मान भी लेता है, लेकिन बाद में यही रोक टोक उसे बुरी लगने लगती है। इसी से घर में महाभारत छिड़ जाती है। फिर वे ही लड़कियां अपने निर्णय पर पछताती है। इसका कारण है कि टोकने से कोई नहीं सुधरता। किसी को आप बार बार बोल करके नहीं सुधार सकते हैं, बल्कि हाँ, प्रेम से, उचित संवाद से उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि सुधारने के सुख को साइड में रख दें और सुनना सीखें, खुद सुधरना सीखें। परिवार में सबको बोलने की आजादी दें, चाहे वह आपके बारे में बोले या किसी और के बारे में, लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी बताने का मौका दें, अवसर दें। वास्तव में इसी को ही प्रेम कहते हैं, और प्रेम के बिना जीवन में कोई संवाद स्थापित करना तो दूर, शिकायत और संदेह मिटाना भी संभव नहीं है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि आप जीवन में स्वयं सुधरें और दूसरे को सुधारने के लिए एक उचित संवाद स्थापित करें, न कि उसको रोक रोक करके, टोक टोक करके और उसके ऊपर निगेटिव प्रेशर बना करके आप उसके सुधारने में लग जाएं और अपना अमूल्य समय बिताने के बावजूद भी आप उसके अंदर नकारात्मकता भर दें। इसलिए जीवन में सकारात्मक जीवन जीने के लिए यह बहुत जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य एक स्वस्थ संवाद स्थापित करें। हमेशा जो है कोशिश करें कम से कम सप्ताह में एक दिन सभी साथ में बैठ करके भोजन करें, कहीं बाहर घूमने जाएं और
जो है मेंटली फ्री होकर के और मन की हर एक बात एक दूसरे से कहे, एक दूसरे की गलती ना ढूंढे, बल्कि जो है उचित सलाह दें, और उस सलाह देने के पहले अपने जो है मन क्रम वचन से उसका खुद पालन करें। इस तरह से परिवार में, समाज में और स्वयं के जीवन में आप सुख शांति और समृद्धि देख पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और यह चैनल आपका अपना है। यदि आपको 1% भी पसंद आया हो, और क्यों न पसंद आया हो, इंसानियत के नाते यह बिल्कुल पसंद आया हो, कोई से अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बट यह हर इंसान को 100% समझ में आया होगा, और इन शुभ विचारों के लिए जो है सुनने के लिए, जीवन में उतारने के लिए आपको एक बार पुनः बधाई, और जो है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।